बच्चों, तो चार क्वेश्चन और करते हैं। हाँ, लास्ट वाले वीडियो में एक चीज़ इनकम्प्लीट रह गया था, उसको लिख लीजिए आप यहाँ से कि टेन थीटा की जो वैल्यू आया था वो क्या आया था, प्लस माइनस 1/√2 आया था ना, मेरे ख्याल से शायद यही आया था। सही है। तो ये क्या है, ये टेन अल्फा है ना यार, ये चीज़ क्या था, टेन अल्फा। सही है। तो आप क्या लिखोगे सर, थीटा इजिकल्स टू एन पाई प्लस अल्फा। सही है। और वेयर क्या लिख लोगे सर, वेयर लिखा जाएगा टेन अल्फा इजिकल्स टू क्या, प्लस माइनस 1/√2। सही है। तो अल्फा की वैल्यू कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स प्लस माइनस 1/√2, यही आंसर होगा। लास्ट वाले वीडियो में शायद पॉज हो गया था, देख लीजिए, क्लियर हो, तो ये आपका आंसर होगा। सही जवाब लिख लीजिए, कोई समस्या आपको यहाँ तक नहीं जाना चाहिए। सही है। तो अपन कुछ और आगे क्वेश्चन करते हैं, क्लियर। देखिए यहाँ तक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन 6x माइनस टेन 3x डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन 6x इंटू टेन 3x इजिकल्स टू 1। सही है, क्लियर हो। ये तो साफ दिख रहा है, टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। सोल्व करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कंडीशन लगाएंगे पहले, क्या लिखेंगे, दो टेन दिखाई दे रहे हैं सर, एक ये वाला और एक ये वाला, क्या लिखोगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या लिखूंगा, एक्स नेबर भी इक्वल टू क्या, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू वाले में 6 का डिवाइड हो जाएगा, यानी क्या, पाई बाई 12। फिर क्या आता था, 3π/2, तो क्या आ जाएगा, 3π/12। फिर क्या आ जाएगा, 5π/2, यानी क्या, 5π/12। सही है। 1π/12, 3π/12, 5π/12, 7π/12, 9π/12 एटसेट्रा एंड सो ऑन। क्लियर हो। अच्छा, दूसरे वाले के लिए क्या लिखिएगा, एक्स नेवर भी क्वेश्चन क्या, पाई बाई टू में 3 का डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा, पाई बाई 6। 3π/2 में 3 का डिवाइड करोगे तो क्या, 3π/6। सही है। फिर क्या आ जाएगा, 5π/6। फिर क्या आ जाएगा, 7π/6। फिर क्या आ जाएगा, 9π/6 एटसेट्रा। क्लियर हो। कंडीशन लगा लिया, आप क्वेश्चन को सोल्व कर दो। विदाउट कंडीशन सोल्व करो तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। सही है। देखना क्या होगा इसका आंसर। तो किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, टेन ए माइनस बी का, यानी क्या, आप लिखोगे टेन 6x माइनस टेन ए सॉरी टेन 6x माइनस क्या, 3x। सही है यहाँ तक। हाँ सर, तो लिख दीजिए, जिनसे बन रहा बना रहे। यहाँ से क्या हो जाएगा सर, यहाँ से लिखा जाएगा टेन 3x इजिकल्स टू क्या आ जाएगा, 1। 1 मतलब क्या, टेन पाई बाई 4। सही है, देख लो यहाँ तक। अच्छा, अब क्या हो जाएगा सर, 3x की वैल्यू जो हो जाएगा एन पाई प्लस पाई बाई 4, है ना, थीटा इजिकल्स टू एन पाई प्लस अल्फा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, मैं पाई बाई 4 पहले कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ बच जाएगा 4n प्लस 1, 3 का डिवाइड कर दूंगा कितना हो जाएगा, पाई बाई 12। सही है, देख लो यहाँ तक। हाँ सर, अब क्या आ जाएगा, रख दो, 0 रखो तो पाई बाई 12 आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा, 5π/12 आ जाएगा। सही है। फिर कितना आ जाएगा, फिर 9π/12 आ जाएगा एंड सो ऑन। ये देखो पाई बाई 12 भी तो यहाँ वाला आ गया यार, ये तो ये आ गया, देखो ये वाला, तो ये नहीं रहेगा आंसर में। ये भी आ गया ये वाला, ये भी नहीं रहेगा, ये भी आ गया, देखो 9π/12, ये भी नहीं रहेगा। अगला क्या आता, अगला था 13π/12, 13π/12 इसमें भी मिल जाएगा आपको आगे जाकर, तो यानी कोई आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या लिखोगे, एक्स बिलोंग्स टू 5, 5 मतलब नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सही है। विदाउट कंडीशन बनाओगे तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, देख लो आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए आपको। लिखिए यहाँ तक फटाक से। सही है, मिटा रहा हूँ, क्लियर होना यहाँ तक। हाँ सर, यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए। विदाउट कंडीशन अगर ये क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करोगे तो काफ़ी डेंजर क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा क्वेश्चन पे आपको ध्यान रखना है, कंडीशंस पे थोड़ा क्या पूरा रखना है, तभी आपके आंसर जाकर सही होंगे। आप मैक्सिमम क्वेश्चन में देख रहे होंगे विदाउट कंडीशन हम लोग भागने की कोशिश किए इधर उधर, तो गलत हो जा रहा है। सही है। तो कंडीशंस आपको सबसे पहले लगाना है, क्लियर हो यहाँ तक। हाँ सर, चलिए एक आध दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद हेडिंग बदल देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन खत्म हो जाएगा। सही है। उसके बाद हम लोग ग्राफ देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, और ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे खत्म हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल आपको मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, कारण जेई मेंस का सिलेबस में नहीं है, और अगर पूरी ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ चुके हो तो जेई मेंस जेई एडवांस के जितने भी क्वेश्चन है करना आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। सही है। हाँ सर, चलिए
यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए। कुछ और क्वेश्चन करते हैं। लिखे टैन थीटा प्लस टैन टू थीटा, सही है। लिखिए क्या लिखोगे, टैन थीटा प्लस टैन टू थीटा इज इक्वल टू टैन थ्री थीटा। ये भी आसान क्वेश्चन, कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए, क्लियर हो, सही है। आराम आराम से सॉल्व करो, बन जाएगा। क्या लिखोगे, इधर को ऐसे ही छोड़ दो और ध्यान देना, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा जल्दी बताता हूँ। इसको लिखेंगे टैन थीटा प्लस टू थीटा, ब्रैकेट में थीटा प्लस क्या टू थीटा, उस पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, टेन ए प्लस बी का, टेन ए प्लस बी का, यानी क्या आ जाएगा, टेन थीटा प्लस क्या टेन टू थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन थीटा इंटू क्या टेन टू थीटा। देखिए यहां तक देखो, देख लो भाई, सही है। हाँ सर, अच्छा चाहो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले आओ पहले इधर। कंडीशंस छूट गया है ना, लास्ट में लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंडीशन छूट गया है, लास्ट में लगा लिया जाएगा। तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा, और यहाँ क्या वन माइनस टेन थीटा इंटू क्या टेन टू थीटा इज इक्वल टू ये वाला पूरा, उसको इधर ले आइए, माइनस ऑफ टेन थीटा प्लस क्या टेन टू थीटा होल ब्रैकेट ये जो कष्ट क्या जीरो, सही है। अब कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन आएगा टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा, ये कॉमन ले लेंगे, सही है। यहाँ ये बच जाएगा वन माइनस टेन थीटा इंटू टेन टू थीटा और माइनस वन, वन वन कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा, माइनस ऑफ टेन थीटा इंटू टेन टू थीटा ये जो कष्ट क्या जीरो, सही है। देख लो क्लियर, हाँ सर सही है, हाँ अच्छा। अब एक बार ये टर्म जीरो होना चाहिए, एक बार ये टर्म जीरो होना चाहिए, तो इसको जीरो करवा देता हूँ। तो क्या लिखूंगा, टेन टू थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू जीरो, सही है। और यहाँ क्या लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा सर माइनस तो जीरो के साथ डिवाइड हो जाएगा, टेन टू थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू जीरो, सही है क्लियर। कंडीशन देखो इसका मैं इधर लिख दे रहा हूँ ना, ठीक है। इसका कंडीशन यहाँ पे क्या क्या, तीन कंडीशन होंगे ना, लास्ट में लिखा जाए क्या, चलो अभी लिख दे रहा हूँ, लास्ट में लिखेंगे ना, अभी इधर उधर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखोगे, टेन टू थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ टेन थीटा, सही है, माइनस ऑफ क्या टेन थीटा, उसको क्या लिख दूंगा टेन माइनस थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टू थीटा इज इक्वल टू एन पाई माइनस थीटा, यानी थ्री थीटा इज इक्वल टू एन पाई, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा एन पाई बाई थ्री, सही है। अच्छा यहाँ से आइए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, टेन टू थीटा का फॉर्मूला तोड़ सकते हो, क्या होता है, टू टेन थीटा डिवाइडेड बाई क्या वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल्स टू क्या जीरो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक और टेन थीटा है यहाँ पे, सही है, इजिकल्स टू जीरो, यानी टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जीरो, तो देयरफॉर टेन थीटा जीरो, टेन थीटा जीरो कब होता है, थीटा इजिकल्स टू क्या एन पाई, दो आंसर आ रहे हैं, एक ये वाला एन पाई बाई थ्री और एक क्या आ रहा है एन पाई, सही है। अब कंडीशन लगा लीजिए, पहला कंडीशन क्या होगा, पहला तो होगा थीटा डज नॉट इक्वल टू क्या पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, सेवन पाई बाई टू, है ना, नाइन पाई बाई टू एटसेट्रा, क्लियर, सही है, हाँ सर। दूसरा कंडीशन क्या होगा सर, टू थीटा नेवर भी इक्वल टू, यहाँ डिवाइड कर दीजिए टू का, टू पाई बाई फोर, थ्री पाई बाई फोर, फाइव पाई बाई फोर, सेवन पाई बाई फोर, नाइन पाई बाई फोर एटसेट्रा, सही है, हाँ सर। अच्छा तीसरा बोलो, टेन थ्री थीटा वाला क्या लिखोगे, थ्री थीटा नेवर भी इक्वल टू क्या, थ्री का डिवाइड कीजिए यहाँ पे पाई बाई सिक्स और क्या थ्री पाई बाई सिक्स और क्या और फाइव पाई बाई सिक्स, देखो सही है, हाँ सर। अच्छा फाइव पाई बाई सिक्स, फिर क्या आ जाएगा सेवन पाई बाई सिक्स और क्या नाइन पाई बाई सिक्स, जो हट रहे हटा सकते हो उसको, पाई बाई टू भी अगर आ जाएगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। ये कंडीशन लगा दिया, थीटा इज इक्वल टू एन पाई, जीरो रखा,
जीरो, वन रखा पाई, टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई, फाइव पाई, सिक्स पाई, इनमें से किसी से मैच नहीं खा रहा है, ये आंसर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ रखो जीरो रखा जीरो, वन रखा पाई बाई थ्री, नहीं मिला कहीं से, टू रखा टू पाई बाई थ्री, नहीं मिला कहीं से, थ्री रखा पाई, इनमें से नहीं मिला, ऐसे फोर रखो फाइव रखो, ये भी आंसर चलेगा, दोनों ही आंसर 100% करेक्ट है, कोई कंडीशन से मैच नहीं खा रहे हैं, देख लीजिए क्लियर हो। हाँ सर जल्दी से लिखिए इसको, फटाक से लिख लिया जाए, मिटा रहा हूँ भाई। तो यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल आराम आराम से मजे मजे में कीजिए क्वेश्चन, कोई ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, कितना क्वेश्चन कराओगे सर, चलिए देखिए क्वेश्चन और। हाँ यहाँ तक सही है, हाँ सर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, टैन थीटा प्लस टैन थ्री थीटा, टैन थीटा प्लस टैन थ्री थीटा इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ टैन टू थीटा। क्वेश्चन ये है टैन थीटा प्लस टैन थ्री थीटा इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ टैन टू थीटा। देख लो भाई इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, कैसे करोगे देखो, जो बच्चों को समझ में आ रहा है स्क्रीन पॉज कीजिए, बनाइए इसको। चलिए क्या लिखोगे सर, कुछ सोचते हैं, टैन थीटा प्लस टैन थ्री थीटा, सही है सर यहाँ तक, टैन टू थीटा को दो बार तोड़ देता हूँ, टैन टू थीटा प्लस टैन टू थीटा, कोई समस्या नहीं सर, सही है। एक को इधर ले आओ टैन थ्री थीटा के साथ, इससे क्या होगा सर देखते रहो, टैन थ्री थीटा माइनस टैन टू थीटा इज इक्वल टू टैन टू थीटा माइनस टैन थीटा, सही यहाँ तक, हाँ सर। सर इसके नीचे में अगर वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी होता तो टेन ए माइनस बी का फार्मूला बनता, बनता कि नहीं बनता, बनता, अपन डिवाइड कर लेते हैं जो चीज़ चाहिए वो, सही है। यानी क्या, किसका डिवाइड करेंगे, टेन थ्री थीटा माइनस टेन टू थीटा डिवाइडेड बाई, क्वेश्चन में कंडीशन अप्लाई कर लेंगे लास्ट में, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या, ये मैं सोचता कंडीशन नहीं लगा रहा हूँ, लास्ट में अप्लाई करेंगे, वन प्लस टेन थ्री थीटा इंटू क्या टेन टू थीटा, सही है। आप जो चीज डिवाइड के उसको मैथमेटिक्स क्या बोलती है, उसका मल्टीप्लाई कर लो, वन प्लस क्या टेन थ्री थीटा, सही है, इंटू क्या टेन टू थीटा, सही है यहाँ तक, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। और यही काम करना है आपको कहाँ पे, राइट साइड में भी, तो राइट साइड में क्या आ जाएगा, राइट साइड में लिखूंगा टेन टू थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, वन प्लस टेन टू थीटा इंटू क्या टेन थीटा, सही है, इंटू वन प्लस टेन टू थीटा इंटू क्या टेन थीटा, देखो भाई यहाँ तक सही है। ये किसका फॉर्मूला बन गया, टेन ए माइनस बी का, यानी किसका टेन थीटा हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा टेन थीटा इंटू, सही है, इंटू ब्रैकेट में क्या वन प्लस टेन थ्री थीटा इंटू क्या टेन टू थीटा। और ये भी किसका फॉर्मूला बन गया, राइट साइड वाला भी टेन थीटा का, इंटू में क्या वन प्लस टेन टू थीटा इंटू क्या टेन थीटा, सही यहाँ तक देख लो, टेन थीटा कैंसिल मार दे सर, ना ही कैंसिल मारोगे रूट्स गायब हो जाएगा, सही है, एक सॉल्यूशन गायब हो जाता है वैसे, तो हम लोग तो टेंथ में कैंसिल मारते थे सर, नहीं वो गलत तरीका था। अब टैन इसको इधर लाइए पूरा को इस साइड में, सही है, और टैन थीटा कॉमन लेते हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा वन प्लस टैन थ्री थीटा इंटू टैन टू थीटा, और वो आएगा इधर तो माइनस वन, और माइनस टैन टू थीटा टैन थीटा, तो वन से वन कैंसिल हो जाएगा, तब बच क्या जाएगा टैन थ्री थीटा इंटू टैन टू थीटा माइनस टैन टू थीटा इंटू टैन थीटा, तो टैन टू थीटा कॉमन आ जाएगा अंदर में भी, अंदर में क्या कॉमन आ जाएगा टैन टू थीटा, तो बच क्या जाएगा टैन थ्री थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू क्या जीरो, देख लो भाई सही है, देख लो, हाँ सर। तो एक बार ये जीरो होना चाहिए, टैन थीटा जीरो होना चाहिए, और दूसरी बार टैन टू थीटा जीरो होना चाहिए, और तीसरी बार टैन थ्री थीटा की वैल्यू सीधा लिख दे रहा हूँ, एक बार ये जीरो होना चाहिए, तो टैन थ्री थीटा क्या आ जाएगा टैन थीटा आ जाएगा, सही है।
टेन थीटा जीरो कब होता है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई पे, और ये टू थीटा इज इक्वल टू एन पाई, यानी थीटा की वैल्यू क्या है एन पाई बाई टू, ये तो शायद ऐसे ही हट रहा है यार मेरे ख्याल से, देख लो। और यहाँ से क्या आ जाएगा, थ्री थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस थीटा, यानी टू थीटा इज इक्वल टू क्या एन पाई, तो थीटा इज इक्वल टू क्या एन पाई बाई टू, ये दोनों तो एक ही आंसर है, सही है, ये दोनों तो एक ही आंसर है, देख लो, सही है, हाँ सर। चलिए अब कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन ये होगा कि थीटा नेवर बी इक्वल टू क्या नौ, कंडीशन लगाना बहुत जरूरी है पहले वाले के लिए, थीटा नेवर बी इक्वल टू क्या पाई बाई टू, और क्या थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, सेवन पाई बाई टू एटसेट्रा। दूसरा क्या है, टेन टू थीटा भी है, तो थीटा नेवर बी इक्वल टू क्या टू का डिवाइड हो जाएगा पाई बाई फोर, थ्री पाई बाई फोर, फाइव पाई बाई फोर, सेवन पाई बाई फोर एंड सो ऑन। तीसरा क्या है, टेन थ्री थीटा भी है ना क्वेश्चन में, हाँ सर, तो उसके लिए भी कंडीशन लगाओ, जितने मैं बोला जितने भी टेन हैं सबके लिए कंडीशन लगाया जाएगा, सही है। मैं बोला आप इलेवेंथ में हो तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अब थ्री का डिवाइड कर दो इसमें पाई बाई सिक्स, थ्री पाई बाई सिक्स, तो फाइव पाई बाई सिक्स, सेवन पाई बाई सिक्स एंड सो ऑन। देख लो थीटा इज इक्वल टू एन पाई, पहला आंसर पर ध्यान दो, एन जीरो रखोगे जीरो, पाई टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई, फोर फाइव पाई, कोई दिक्कत नहीं चलेगा, ये आंसर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां रखो जीरो रखा जीरो, वन रखा पाई बाई टू नहीं चलेगा, टू रखा पाई चलेगा, थ्री रखा थ्री पाई बाई टू नहीं चलेगा, सही है, फोर रखा टू पाई चलेगा, यानी पाई टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई, इनसे आंसर आने वाला, जो कि आंसर यही होगा, देख लीजिए आराम से, आप ओपन करके चेक कर लो, आंसर यही आने वाला है, जो इसमें जो बचेंगे है ना, जो हटाओगे जिन आंसरों को उनके अलावा जो बचेगा वो क्या बचेगा, जीरो पाई, टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई, मतलब वो यही है, क्लियर हो, लिखिए यहाँ तक आराम से, सही है, स्क्रीन पॉज कीजिए आराम से लिख लीजिए, सही है, हाँ सर। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन यहाँ पे मैं कंप्लीट बोल देता हूँ, आपको ज़्यादा समस्या नहीं जाना चाहिए, क्लियर हो, यहाँ तक लिख लीजिए, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगा, ठीक है, हाँ सर। क्वेश्चन होंगे बुक में कीजिए उसको सोल्व, खोज कर, कोई ज़्यादा समस्या की बात नहीं है, आराम आराम से करें, क्वेश्चन हो जाएंगे, हवड़ा होगा नहीं होगा क्वेश्चन, और नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे ग्राफ, ठीक है, तो इसको मैं यहीं पे रोकता हूँ, और अगले वीडियो में अपन ग्राफ सेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, उसी में मैं स्टार्ट करूँगा ग्राफ, यहाँ तक लिख लीजिए आप, क्लियर हो, हाँ सर।